हेलो बच्चों, एक लास्ट चैप्टर, एक लास्ट टॉपिक अपने डाला था यूट्यूब में रिफ्लेक्शन के टॉपिक पे, उसी का थोड़ा आगे अपन बढ़ा के देखते हैं। मैं श्याम चंद्रवंशी, नीट पॉइंट कवर्धा से आपका स्वागत करता हूँ। चलिए अगला एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं अपन। जैसे लास्ट टॉपिक में अपन ने क्या किया था बेटा, स्नेल्स लॉ के बारे में किया था, बस उसी स्नेल्स लॉ का एक आध दो एप्लीकेशन पढ़ के देखते हैं अपन, क्या होता है, कैसे काम करते हैं उसके बारे में। चलिए ठीक है, एक छोटा सा एप्लीकेशन लेते हैं। जैसे अपने पास नाम सुना होगा किसका, एक होता है सर रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। अब सर ये रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या रीज़न है? अपन सुने होंगे कभी कभी, जैसे एग्जांपल के लिए देखे हैं कि नदी वदी में कभी गए होंगे तो नदी में एकदम कम कम पानी बहता रहता है, थोड़ा थोड़ा पानी बहता रहता है। मान लीजिए ऐसा कि घुटने जितना पानी है, अपन क्या किए, अपने ऊपर से देखें नदी की पानी बहुत साफ होती है, घुटने के पानी जितना है ऐसा सोचे कि अपन क्या किए, कपड़े को अपने घुटने तक उठाए, उसके बाद नदी में ऐसे चलने लगे, नदी को क्रॉस करेंगे करके। अचानक से जैसे अपन पैर रखे हैं, अपन सीधा नीचे गए, धड़ाम से नीचे, कहाँ तक, पूरे थाई तक डूब गया हमारा। हम लोगों को लगा यार ये तो पानी बहुत कम दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया, हमारा पूरा कपड़ा भीग गया। तो रीज़न क्या है उसके पीछे बेटा, सिर्फ यही रीज़न है, कौन सा, आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये रीज़न कैसे होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चाएँ कर लेते हैं। जैसे उसी के अपन न्यूमेरिकली लेते हैं, क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नदी है, मान लेते हैं इधर है बेटा अपने पास मीडियम है, इधर का मीडियम लेते हैं, चलिए ये लाइन है, इधर है अपने पास एयर, इधर क्या है एयर मीडियम अपन नॉर्मल, और ये नदी है, नदी मतलब नीचे में क्या होगा, पानी होगा, वाटर होगा। मान लीजिए इसका मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेते हैं N2 और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेते हैं N1। ठीक है, डेंसर को मैंने इस बार लिया है N1 और एयर को मैंने लिया है N2। ठीक, चलिए सर बात कर लेते हैं। हो जाएगा, मानते हैं सर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, एक्चुअल डिस्टेंस ये है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, बोलता है सर ये वाटर के सरफेस से डी डिस्टेंस पर है, तो डी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे अपन, एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ, इसको रियल डेप्थ, इसको क्या बोलते हैं अपन, रियल डेप्थ को डी बोलते हैं और अपेरेंट डेप्थ को अपन बोलते हैं डी डेप्थ। ठीक है, क्या होता है, डी जो है एक्चुअल डिस्टेंस है या एक्चुअल डेप्थ है सर, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक रे जाएगी सर, ऐसे एक रे ऐसे जाएगी सर, हमको पता है यहाँ पर क्या बनेगा, एक नॉर्मल सरफेस पर होता है नॉर्मल। रिफ्रेक्शन में क्या होता है, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है बेटा, इस बार हमारा वाटर है और वाटर कौन सा मीडियम होता है, डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम से जा रही है तो कहाँ चली जाएगी, डेंसर से रेयर में जा रही तो हल्का सा बेंड टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर बैठा बैठा देख रहा है क्या होगा कैसा होगा, यहाँ पर एक लाइन खींचते थोड़ा सा अपन सिमिलरिटी बनाने के लिए, ये क्या होगा, इस रॉट इस रे को सॉरी इस ऑब्जर्वर को रे कैसे आता हुआ दिखाई देगा, लाइक दिस, इस ऑब्जर्वर को लगेगा रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से। हमारा ऑब्जेक्ट भले ही सर यहाँ पर हो लेकिन उसका इमेज कहाँ दिखाई देगा, उसको यहाँ दिखाई देगा सर, मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने लिख दिया आई, लिख दिया इमेज को। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन ने बोला मान लीजिए डी डेस, डी डेस क्या हमारा अपेरेंट डेप्थ, और डी जो था एक्चुअली में वो था हमारा रियल डेप्थ। ठीक है, डी जो हमें हमारा रियल डेप्थ है और डी डेस जो है हमारा अपेरेंट डेप्थ है। ठीक है, दोनों के बारे में बात करते हैं। हमको पता है सर ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं अपन आई, और ये जो एंगल बनता है बेटा उसको बोलते हैं अपन आर। क्लियर, तो अगर ये आई है तो सिमिलरिटी से अपने को बोलता है कि सर ये भी आई होगा, और अगर ये आर है तो भैया ये भी हमारा आर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मानते हैं सर इस डिस्टेंस को अपन एक नाम दे देते हैं एक्स, नाम देते हैं। चलिए थोड़ा इसको न्यूमेरिकली अपन प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, क्या हो रहा है, कैसा होता है, इसका फॉर्मूला कैसे अपन डिराइव करते हैं देखते हैं। चलिए कोशिश करते हैं अपन छोटी सी, अपने को पता है सर सिंस, ऐसा लिख सकते हैं अपन, सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं सर। अब जब एंगल बहुत छोटे होते हैं ना सर, तो क्या होता है, साइन थीटा जो है बराबर होता है लगभग लगभग टेन थीटा के, और वो लगभग लगभग बराबर होता है थीटा के, इससे क्या समझ आता है। चलिए उसका अपन अप्लाई करते हैं, क्या होता है, यहाँ से बेटा अगर मैं डायग्राम से टेन आई लिखता हूँ, आई कौन सा एंगल है, ये इस डायग्राम में ये भी तो आई है सर, तो टेन आई, आई क्या होता है बेटा, सामने वाला फ्रंट वाला साइड, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, ऐसा बोलते हैं, बोलते ये परपेंडिकुलर सर, दैट इज एक्स डिवाइड बाई, ये क्या है बेस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है डी है सर, तो इसको लिख दिया एक्स बाई डी। ओके बेटा, इसको और क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, इसी को साइन थीटा भी लिख सकते हैं, मतलब साइन आई भी इसको लिखा जा सकता है बेटा, ये है आपका इक्वेशन नंबर वन। ठीक, दूसरा इसी में टेन आर भी लिख सकते हैं, आर कौन सा एंगल है बेटा, ये टेन आर को क्या लिखा जा सकता है, एक्स बाई दिस वन, तो लिखा जा सकता है सर एक्स बाई डी डेस, इसको भी लिख सकता हूँ क्या चीज, साइन आर लिख सकता हूँ सर, इक्वेशन नंबर टू। बढ़िया, अब अपने पास क्या आता है, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ एप्लीकेशन है ना उसी का। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, एन वन साइन आई विल बी इक्वल्स टू एन टू साइन आर, एन वन किसका, जहां पर इंसिडेंट हो रही है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और जहां पर जा रही है रिफ्रेक्ट होकर के उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। यहां एन वन किसका है, कहां से आ रही लाइट हमारी,
वाटर से आ रही है और उसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स अपन ने एक्चुअली एन1 ही माना है। एन1 बहुत बढ़िया सर, तो एन1 को तो एन1 ही रहने दे। साइन आई क्या है बेटा, वो देखो साइन आई की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई डी। अरे बहुत बढ़िया। एन2 क्या, रे जहाँ जा रही है देखिए एन2, और क्या है साइन आर की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू देखिए एक्स बाई डी डेस। तो एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया, ठीक। डी डेस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो डी डेस अपन में नीचे में क्या मिला है डी, इधर क्या मिल जाएगा ये एन2, और नीचे में क्या मिले अपना एन1, और नीचे में अपना एन1। चलिए तो ये क्या हो गया, हमारा एक फॉर्मूला बन गया। बुक्स में यही फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, बुक्स में इसी फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं। इसको एन2 की वैल्यू क्या होती है, जनरली एन2 को अपन क्या बोलते हैं, एयर में है सर फिलहाल, तो एयर के ले गए वहाँ पर एन देते हैं, और वाटर का है तो इसको म्यू लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन हम सर याद कैसे करें, हमको तो याद करना है, हमको तो देखना है सर, हमको एप्लीकेशन पार्ट है, यही सारी चीज़ें अपन बार बार करके देख नहीं सकते। तो अपन इस कंडीशंस के लिए एक फॉर्मूलाइज करते हैं, एक थोड़ा इसको याद करने का तरीका बताते हैं। कैसे तरीका याद करते हैं, किस तरीके से याद रखते हैं, बोलते हैं सर हमारे पास ऐसा फॉर्मूला आया है डी डेस बाई डी बराबर में एन टू बाई एन वन। चलिए सर इसको थोड़ा अपन डिफाइन करते हैं। डी डेस क्या है बेटा, मेरे ख्याल से डी डेस को अपन ने बोला था अपेरेंट डेप्थ। डी डेस है हमारा अपेरेंट डेप्थ, और डी क्या है हमारा रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, ठीक है। डी डेस है हमारा अपेरेंट डेप्थ और डी है हमारा रियल डेप्थ। तो अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ विल बी इक्वल्स टू एन टू। एन टू याद है कहाँ जा रहा था, एन टू क्या था उस मीडियम में जहाँ रे जा रही थी, फिलहाल तो हमारा क्या था एयर था, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे लिखते हैं रे जहां जा रही है, रे जहां जा रही है अपॉन में नीचे में क्या एन वन, एन वन क्या हमारा मीडियम था, यहां पर क्या रे जहां से आ रही है। हम अगर याद करेंगे तो इसको याद करके रखेंगे, क्योंकि हर बार तुमको कंफ्यूजन होगा कि किसको याद करें सर, इसको याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो ज़्यादा बेटर सबसे बेस्ट तरीका क्या चीज़, क्या याद रखेंगे अपन, अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ बराबर रे जहाँ जा रही है अपॉन में रे जहाँ से आ रही है। फिलहाल अभी हमारे केस में रे कहाँ जा रही थी, एयर में जा रही थी, तो वहाँ पर एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और कहाँ पर से आ रही थी वाटर से आ रहे थे एक्जैक्टली, तो वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन पार्ट के एक बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्या होता है क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, जैसे नीट में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, इसको याद कर लेते हैं, इसको लिखते हैं, लिखने के बाद चलो अपन एक आते क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे अपने पास बढ़िया एकदम फेवरेट क्वेश्चन नीट वालों का कि क्वेश्चन क्या मारो, जैसे मान लेते हैं सर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा पूछा है, एक छोटा सा क्वेश्चन उठा के देखते हैं कि सर ये मान लीजिए एक फिश है सर, एक मछली यहाँ पर है, फिश है सर, एक फिश है यहाँ पर, कितने डिस्टेंस पर है, तो बोलते हैं सर वो है यहाँ पर, बोल लीजिए लेट इस डिस्टेंस को मान लेते हैं 27 सेंटीमीटर पर, 27 सेंटीमीटर पर, इतने डिस्टेंस पर हमारा ये फिश है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर रहती फिश, वाटर में, और वाटर का म्यू कितना होता है 4/3, हमको तो आता ही है, क्लियर। चलिए सर बात करते हैं, अच्छा अब बोलते हैं मान लो यहाँ पर कोई एक मतलब कोई पक्षी है, ईगल है, मान लेते हैं कोई ईगल है, ईगल, ठीक है। ईगल जो है इस मछली को पकड़ना चाहता है, देखे होंगे ईगल आता है, ईगल आने के बाद क्या करता है मछली में से टपाक से चुप लगाता है और मछली को पकड़ के ले जा लेता है, ठीक है। तो ऐसा तो हर बार नहीं होता है, चलिए एक बार उसका जैकपॉट था कि एक बार आ गया, कभी कभी ऐसा होता है कि मछली ईगल आता है लेकिन मछली उसको नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, रीज़न, रीज़न बड़ा आसान है सर, क्या चीज़ आसान है, यही सेम चीज़ क्या होगा कि सर यहाँ से रे ऐसे निकलेगी, रे निकलेगी सर, और क्या होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हो जाएगी। मान लीजिए वो ईगल कहाँ पर है, यहाँ पर है, ईगल को कैसे दिखाई देगी वो रे, ऐसे आते हुए दिखाई देगी सर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता था मेरे को पता है ये कितना डी डेस, कितना होता था डी डेस। अब बोलते हैं क्यों नहीं मिल पाती है सर मछली, क्यों नहीं मिल पाती ईगल को, रीजन क्या है, वही फॉर्मूलाज कहते हैं क्या, डी डेस बाई डी, डी डेस मतलब अपेरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ, अपेरेंट यहाँ लिख देते चलिए, अपेरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ बराबर क्या होता है रे जहां जा रही है, रे कहां जा रही है एयर में जा रही है, तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1। रे कहां से आ रही है बेटा, एग्जैक्टली वाटर से आ रही है, तो वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना 4/3, इसको और कर सकते हैं सर डी बाई डी डेस, डी डेस बाई डी इक्वल्स टू 3/4। चलिए तो डी डेस की वैल्यू क्या मिलेगी 3/4 इंटू ये डी, डी का वैल्यू क्या है एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डेप्थ कितना है 27, तो 3/4 इंटू 27। अपन ने कहीं गलत थोड़ी लिखा, रे जहाँ जा रही है और जे रे जहाँ से आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सॉरी ये 4 है ना, एग्जैक्टली 4, ये थोड़ी अच्छी वैल्यू नहीं आएगी, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको 36 सेंटीमीटर कर लेते हैं, 36 थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 36 कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा सर, ये सर ये 4 टाइम्स 9 टाइम्स से चला जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा
27 सेंटीमीटर। वो सर क्या हुआ, कैसा हुआ? एक्चुअली ये फिश कितने सेंटीमीटर पे थी? सर एक्चुअली तो ये थी 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, लेकिन जब ये ईगल देख रहा है इसको तो कितने में दिखाई दे रहा है उसको? 20 सेंटीमीटर। इसलिए क्या होता है, वो ऐसे डुबकी तो लगाता है, ईगल ट्राई करता है लेकिन मछली इसको मिल नहीं पाती है, सिर्फ और सिर्फ रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से। लेकिन सर ये तो बढ़िया बात है, लेकिन कभी कभी तो ये भी होता है कि सर ईगल आती है और मछली को उठा कर ले जा लेती है। वो कैसे होता है? क्योंकि बेटा मछली भी बुद्धू है, फैक्ट है। अब मछली कैसे करती है, यही सब थोड़ा उल्टा कर देते हैं, थोड़ा उल्टा कर देके इसको ये एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकता कि सर कभी कभी ईगल को मछली मिल भी जाती है, क्यों मिल जाती है, सही करके देख लेते हैं। इसी में एक छोटा सा एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन मान लेते हैं। चलिए ये है सर हमारे पास एक सरफेस, इधर क्या है एयर है, इधर क्या है वाटर है। चलिए ठीक है सर, बात कर लेते हैं, अच्छी बात है। वाटर का म्यू कितना होता है, 4/3 होता है, और एयर का म्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं कि इस बार ऑब्जर्वर कौन है, मछली इस बार देखेगी, मतलब लाइट यहाँ से आएगी, ठीक है। मान लीजिए एक ईगल है, ये ईगल है, ठीक, ये ईगल है, ऐसे उड़ते हुए आ रही है, ये है सर, ठीक। थोड़ा ऐसे नीचे तक लाइन बना देते, थोड़ा समझ में आने के लिए। क्या होगा, क्या होगा, इस बार ईगल से ऐसे रे जाएगी, रे गई सर, ठीक है सर, ये नॉर्मल है। होगा क्या बेटा, यहाँ से होगा क्या, ये सर लाइट कहाँ से आ रही है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, तो क्या हुआ, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, नहीं अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा ऐसे नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो जो है हमारा ईगल यहाँ उड़ रही है, ये हमारी ईगल है सर, ठीक है, एक लाइन बना देते थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखाने के लिए, ये हमारी ईगल यहाँ पर उड़ रही है। चलिए ठीक, बोला कितने सेंटीमीटर पर है सर, 27 सेंटीमीटर पर मान लेते हैं, कितने पर, 27 सेंटीमीटर पर। क्या होगा, यहाँ से एक रे ऐसे जाएगी, यहाँ से क्या होगा, हमको पता है क्या चीज़ कहाँ से आ रही है, रेरर से डेंसर में आ रही है, जब भी रेरर से डेंसर में आता है तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे झुक जाते हैं, तो हमको क्या लगेगा, अगर ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से, यहाँ पर कौन है ऑब्जर्वर, कौन है, मछली, मछली हमारी यहाँ से देख रही है, मछली को क्या लगेगा, रे कहाँ से आ रही है बेटा, यहाँ से आ रही है, मतलब इस ईगल का एक इमेज कहाँ पर बनेगा, ये सर, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा उसको, डी डैश, और ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये उनका क्या है, डी एक्चुअल डेट, क्लियर। अब क्या करेंगे था, फिर से क्वेश्चन लगाते हैं सर, क्या चीज़, हमारा फॉर्मूला क्या है, अपेरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ बराबर, अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ बराबर कितना, रे जहाँ जा रही, इस बार रे कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है, और वाटर का कितना होता है, 4/3 अपॉन रे कहाँ से आ रही है बेटा, एयर से आ रही, बहुत बढ़िया, एयर का बन, क्लियर। चलिए सर इसको रख सकते हैं सर, डी डेस विल बी इक्वल टू 4/3 इनटू डी, डी की वैल्यू क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल डेप्थ कितना है, 4/3 इनटू 27 सेंटीमीटर, तो 9 × 3 = 27 कितना हो जाएगा, डी डेस की वैल्यू कितनी दिखाई देगी, 36 सेंटीमीटर सर। एक्चुअली ईगल कितने पर है, 27 सेंटीमीटर पर है, लेकिन इस फिश को क्या दिखाई देगी, वो कितने डिस्टेंस पर है, 36 सेंटीमीटर पर, तो ईगल क्या सोचेगी कि नहीं सर अभी तो बहुत डिस्टेंस है, अभी तो कितने में, 36 सेंटीमीटर दूर है, बहुत है, आराम से मैं हल्का से एक डुबकी लगा करके बाहर से ऐसे हाय टाटा बाय बोल करके आ सकता हूँ, और वैसे मस्त ऐसे ऊपर छलांग लगाने आती है, जैसे हल्का से ऊपर आती है उसको पता चलता है ईगल सीधा दबच के ले जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा था 36 सेंटीमीटर पर, लेकिन एक्चुअल में कहाँ थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 27 सेंटीमीटर, क्लियर है बेटा। तो वैसे ही और टॉपिक्स अपन कवर करते रहेंगे, आज के लिए थैंक यू।